नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, ITI से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम अपडेट होती है या फिर ITI से रिलेटेड जो भी कैंपस प्लेसमेंट या जॉब रिक्रूटमेंट अपडेट्स होती है, सभी अपडेट्स में इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं चर्चा करूँगा ITI का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स का सेकेंड ईयर, राइट। तो सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है 1 और 2 अगस्त 2022 को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर 2 ईयर ट्रेड, राइट। बिल ऑफ मटेरियल है, बिल ऑफ मटेरियल मतलब यहाँ पे देखिए गाइस, बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है, आप सभी को पता है मटेरियल हम मीन्स क्या होता है, सामग्री। तो यहाँ पर सामग्री है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो आपको चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल का जो पेपर होने वाला है उसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये रॉ मटेरियल यहाँ पे देखो बताया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के लिए रॉ मटेरियल में आप देख पा रहे हो, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, बल्ब चाहिए, लैंप होल्डर चाहिए, कनेक्टिंग वायर 1.5 स्क्वायर mm। तो गाइस यहाँ पे देखिए 100% है कि अगर ये दिया हुआ है, जैसे बल्ब है, लैंप होल्डर है, ठीक है, एमीटर, वोल्टमीटर और कनेक्टिंग वायर है 1.5 स्क्वायर mm, तो पक्का है आपसे जो है हाउस वायरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउस वायरिंग का क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए पिन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर वाला जो है, इंसुलेटर के ऊपर जो सिरोपरी लाइन है उसको कैसे बांधा जाता है, उसको कैसे टाइट किया जाता है, कैसे उसका जो है जोड़ किया जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे इंसुलेटर का पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए अल्टरनेटर है, डीसी संट मोटर है, डीसी संट मोटर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीसी संट मोटर को हम लोग जो है 3 पॉइंट स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्टरनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और मल्टीमीटर जो है वो तो देखिए यहाँ पे कहीं पर भी जो है काम में आ सकता है इन सभी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है एक तो वायरिंग वाला क्वेश्चन आने के चांसेज है, उसके बाद में एक इंसुलेटर वाला क्वेश्चन आने के चांसेज है, उसके बाद में अल्टरनेटर या डीसी संट मोटर में से एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में स्पेशली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।